हाल ही में ऋषभ के जन्मदिन पर पवन पहुंचे थे खेसारी के घर, जहां पहली बार दोनों में देखा गया इतना याराना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में हुए खेसारी के इंटरव्यू वाले विवाद पर पवन ने कुछ भी बोलने से बचते बचाते नजर आए। और क्या कुछ कहा है पवन ने, आइए आपको दिखाते हैं। नो कमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है, पहले भाई की भावनाओं को समझिए, इसके बाद कोई अपना कमेंट करे। और ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी भाषा के जो बोलेला, जो समझेला, जो सुनेला, वो हम लोगों के लिए भगवान है। तो देखा दोस्तों आपने, पवन ने खेसारी का थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए बातों को तुरंत दर्शकों की ओर घुमा लिया। वेल, बता दें जानकारी के लिए कि प्रियंका के साथ पवन पहले भी फिल्में कर चुके हैं और प्रियंका उन्हें काफी पसंद भी करती थी। पवन के शादी के बयान पर प्रियंका ने ये बात कही थी कि अगर वो भी सिंह होती तो वो पवन सिंह के साथ ही शादी करती। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।